जो यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ के पाठ वर्णन के पश्चात इस पाठ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। षष्ठम पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में बनाया हुआ है। इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वह आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारा देश भारत बहुत ही रमणीय और भव्य है। हमारे इस देश में सब जगह प्राकृतिक सौंदर्य व्याप्त है। भारत के सुंदर और शानदार जगहों में से ऋषिकेश भी देखने योग्य है। ऋषिकेश गंगा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार से 21 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ गंगा अपनी प्राकृतिक समरसता से परिपूर्ण है, यानी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। गंगा के पर्वतों की हरियाली से घिरा हुआ ऋषिकेश एक रमणीय और पवित्र तीर्थ स्थल है। साधु लोग और सभी महापुरुष यानी सभी महात्मा लोग इस स्थान पर अपना और परमात्मा का ध्यान करते हैं और कवि तथा लेखक भी कोमल कल्पनाओं में डूबकर अपनी लेखनी से या अपने कलम से मनोहर कविताएं लिखते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी ऋषिकेश का महत्व है। यहाँ स्थित पहाड़ की चोटियों पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक उनका उपयोग गंभीर बीमारियों के निवारण के लिए करते हैं। ऋषिकेश के देखने योग्य जगहों में लक्ष्मण झूला प्रथम है। यह एक पुल है जिसका निर्माण गंगा के पार जाने के लिए किया गया है जिसका निर्माण गंगा के पार जाने के लिए ही हुआ, यानी यस्य निर्माणम गंगायाः पारं गमनाय एव अभवत्, जिसका निर्माण गंगा के पार जाने के लिए ही हुआ। जब इस पुल पर लोग चलते हैं, यदा अस्मिन् सेतो जनाः चलन्ति, यानी जब इस पुल पर लोग चलते हैं तब यह हिलता है, तदा अयम कंपितः भवति। अत्र गरुड़चट्टी अपि दर्शनीय स्थलम अस्ति, यहाँ गरुड़ चट्टी भी देखने योग्य जगह है। इस स्थान से कुछ ही दूरी में गीता भवन नाम का एक प्रसिद्ध आश्रम है। अस्मिन् स्थानात् नति दूरे गीता भवनम नाम प्रसिद्ध आश्रम अस्ति। महर्षि कण्व का आश्रम इसी स्थान पर था। महर्षि कण्वस्य आश्रम अस्मिन् स्थाने एव आसीत्। भरतस्य माता, भरत की माता शकुंतलाया पालन पोषणम, शकुंतला का पालन पोषण अस्मिन् एव आश्रमे अभवत्, इसी आश्रम में हुआ। नगराणाम कोलाहलात दूरम, नगरों के शोर शराबे यानी नगरों के कोलाहल से दूर इदम स्थानम, यह स्थान वस्तुतः आत्मोन्नति स्थानम अस्ति, वास्तव में आत्मोन्नति का स्थान है। अब आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। इस पाठ में जो प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है वह मैंने यहाँ पर लिखा है। जो पाठों के प्रश्न हैं वह पाठ के प्रश्न इस प्रकार से हैं। अस्माकं देश का अस्ति। दूसरा प्रश्न है, तीर्थेषु प्रसिद्ध स्थलम किम।
इसके बाद प्रश्न है ऋषिकेश कीदृशम स्थलम अस्ति। ऋषिकेशस्य पर्वत श्रृंखलासु कानि उत्पन्नानि भवन्ति। आइए इसके प्रश्न उत्तर के साथ में यह है, अस्माकम देश का अस्ति, तो अस्माकम देश में सबसे उचित उत्तर होगा भारतवर्षम। अस्माकम देश भारतवर्षम भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है, तो भारतवर्षम के स्थान पर भारतवर्षम। तीर्थेषु प्रसिद्धम तीर्थस्थलम किम, तीर्थेषु प्रसिद्धम तीर्थस्थलम हरिद्वारम, यह हरिद्वार होगा सबसे उचित उत्तर में, हरिद्वार। ऋषिकेश कीदृशम स्थलम अस्ति, ऋषिकेश पावनम स्थलम अस्ति, ऋषिकेश पावन स्थल है, सबसे उचित उत्तर होगा पावन। उसके बाद ऋषिकेशस्य पर्वत श्रृंखलासु कानि उत्पन्नानि भवन्ति, तो ऋषिकेशस्य पर्वत श्रृंखलासु पहाड़ों की चोटियों में औषधानी यानी कानी, तो कानी के स्थान पर औषधानी उत्पन्नानि भवन्ति, औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, दवाइयाँ। अब यहाँ पर जो इसको मिलाना है, मिलान करना है, तो उसके लिए रमणीयम है दिया हुआ, विविधानी मनोहरानी और प्रसिद्धा इसके सामने में लिखेंगे, रमणीयम जो है इसके सामने में यह लिखेंगे तीर्थस्थानम, रमणीयम के सामने में तीर्थस्थानम यह लिखेंगे तीर्थस्थानम। इसके बाद विविधानी के स्थान में आनी वाला लगेगा, औषधानी, मनोहरानी, मनोहरानी मन को अच्छा लगने वाला कविताएं, मनोहरानी काव्यानी और प्रसिद्ध आश्रम, प्रसिद्ध आश्रम था गीता भवन, तो प्रसिद्ध आश्रम। रमणीयम के सामने तीर्थस्थानम, विविधानी औषधानी नी नी लगा है, मनोहराणी काव्यानी काव्यानी और प्रसिद्ध आश्रम, इस प्रकार से। रमणीयम तीर्थस्थानम, विविधानी औषधानी मनोहराणी काव्यानी प्रसिद्ध आश्रम। इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको सही सबसे भरना है, अस्माकम देश भारतवर्षम अति, सबसे उचित उसमें होगा रम्यम अस्ति, अस्माकम देश भारतवर्षम अति रम्यम अस्ति, बहुत ही रमणीय है। अत्र गंगा नैसर्गिक सुषमया परिपूर्णा अस्ति, यह गंगा नैसर्गिक सुषमा से परिपूर्ण है, नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है, ठीक है। ऋषिकेशे साधव आत्मन परमात्मन च ध्यानम कुर्वन्ती, तो ऋषिकेशे आत्मन के बाद परमात्मन या परमात्मन भराएगा यहाँ पर, तो परमात्मन सबसे उचित है। ऋषिकेशे साधव आत्मन परमात्मन च ध्यानम कुर्वन्ती, अपना और परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसके बाद घ नंबर में आयुर्वेदाचार्या औषधि नाम उपयोगम भीषण रोगाणाम निवारणाय कुर्वन्ती, आयुर्वेद के चिकित्सक औषधियों का उपयोग गंभीर बीमारियों के निवारण में करते हैं, विभिन्न गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसके बाद चौथा नंबर में पूछा गया है प्रश्न, प्रश्न का जवाब है, प्रश्न पूछा गया है लक्ष्मण कह, लक्ष्मण झूला कह अस्ति, लक्ष्मण झूला कौन है। ऋषिकेशस्य प्रसिद्ध आश्रम कह अस्ति, लक्ष्मण झूला अस्य स्थानस्य विशेषता का अस्ति। और उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है शकुंतला कस्य माता अस्ति, तो इसमें पहला जो है लक्ष्मण झूला क्या है, तो लक्ष्मण झूला एक सेतु अस्ति, लक्ष्मण झूला एक सेतु है। ऋषिकेशस्य प्रसिद्ध आश्रम गीता भवनम अस्ति, ऋषिकेश का प्रसिद्ध आश्रम
कौन सा है? कह अस्ति, तो गीता भवनम अस्ति। ऋषिकेशस्य प्रसिद्ध आश्रम गीता भवन, गीता भवनम अस्ति। इसके बाद ग नंबर में होगा लक्ष्मण झूला की स्थान की विशेषता क्या है। तो लक्ष्मण झूला स्थान से विशेषता अस्ति, लक्ष्मण झूला स्थान की विशेषता है यत यदा जना अस्मिन सेतु, जब लोग इस सेतु पर, सेतु चलंती, जब लोग इस सेतु पर चलते हैं तदा अयम कंपिता भवती, तब यह कांपता है। जब यह कोई भी पुल, पुल नहीं है जिस पर कि चलने के बाद कांपता है, लेकिन यह वह पुल है, यह उसकी विशेषता है। तो वही इसी में कहेंगे लक्ष्मण झूला स्थानस्य विशेषता अस्ति, लक्ष्मण झूला स्थान की विशेषता है यत यदा जना अस्मिन सेतो चलंती तदा अयम कंपिता भवती, तब यह कंपित होता है यानी कांपता है। इसके बाद है शकुंतला कस्य माता अस्ति, शकुंतला भरतस्य माता अस्ति, शकुंतला भरत की माता है। इसमें एक यह काट भी सकते हैं, ध्यान रखेंगे। यह हालांकि मैंने घुमा दिया है, इसमें पूछा गया है तीर्थ स्थानों के नाम, तो आप काट भी सकते हैं, हालांकि काशी भी तीर्थ स्थान का नाम है। तो इसमें एक दिया हुआ है पहले से द्वारका, यह द्वारका जो है मैंने घेरा है, यह द्वारका दिया हुआ है पहले से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हरिद्वारम बनता है, हरिद्वार लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ मध्य में देखेंगे द्वारका और सी काशी, यह सी बनता है, ठीक है। जो गुंजाइश है इसको नहीं काटेंगे, या एक कॉलम और बनाना होगा इसमें, यहाँ पर छः नंबर बना देंगे और उसके अनुसार से काशी हो गया। इसके बाद मैं सबसे नीचे में देख रहे हैं, काशी के बाद नीचे ऋषिकेश है, प्रयाग है, तो मथुरा है, ठीक है, वाराणसी है, तो ये सबको डालेंगे, ठीक है। तो इसमें ऋषिकेशा, ऋषिकेश को डाल दिया। इसके बाद में मथुरा, यहाँ मथुरा को ले लिया, मथुरा है। इसके बाद वाराणसी ले लिए, इसके बाद प्रयाग ले लिए। अब इसके अलावे देख रहे हैं कि कोई भी बचा नहीं है, हरिद्वारम भी हो ही गया ऑलरेडी, तो इसलिए द्वारका, हरिद्वारम, काशी, ऋषिकेश, मथुरा, वाराणसी और प्रयाग, यह सभी तीर्थस्थल हैं भारत के, तो इन्हें लिखना है। और यह रचनात्मक कार्य में से है, इसलिए इस पर पहेली को बनाकर इसमें से ढूंढ कर घेर कर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा शब्द में काशी आता है, काशी हिंदी और संस्कृत दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। और इसमें लाल कलर से मैंने घेर करके बताया है, आप भी इसे घेर लोगे और अपने सुविधा के अनुसार से इस प्रश्नोत्तर के वीडियो को रिपीट करेंगे और इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन के पहले ही डाला हुआ है और यहाँ पर मैंने हिंदी अनुवाद भी आपको समझा दिया है, आप अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें और इस हिंदी अनुवाद को लिख करके याद करेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को भी याद करेंगे अच्छी तरह से। जितनी बार हो सके आप रिपीट करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाला वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे और आप इसे अवश्य देखो और इसे लाइक भी करो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।